देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को जल्द ही बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। इस क्रूज के साथ देश में पर्यटन उद्योग को काफी फायदा मिल सकता है। MV गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 51 दिनों में लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्रूज द्वारा की जाने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी यात्रा होगी। सूत्रों के अनुसार ये सफर कुल 50 दिनों का होगा और इस दौरान ये जलयान भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि गंगा विलास क्रूज शिप में 80 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। इसमें 18 स्वीट्स, शानदार 40 सीटर रेस्टोरेंट और कई दूसरी लग्जरी सुविधाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पहला भारत का निर्मित रिवर शिप है। फिलहाल बुधवार को ये क्रूज पटना पहुंच चुका है। पटना से क्रूज कोलकाता के लिए रवाना होगा और 20वें दिन फरक्का और मुर्शिदाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी पहुंचेगा। अगले दिन ये ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश की सीमा पर प्रवेश करेगा। अगले 15 दिनों तक देश के जल क्षेत्र में रहेगा। अंत में ये शिव सागर के माध्यम से नौकायन करने और डिब्रूगढ़ में अपने अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले गुवाहाटी के रास्ते भारत वापस आ जाएगा। ये क्रूज सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी गुजरेगा। क्रूज के अनुभव को सुखद बनाने के लिए दिन भर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम है। साथ ही क्रूज पर सभी हाईटेक सर्विस जैसे जिम, स्पा, एक ओपन स्पेस बालकनी, 3 सनडेक, बल्टर सर्विस आदि होंगे। फोर्ब्स के अनुसार गंगा विलास क्रूज पर सवार टूरिस्ट वाराणसी से लेकर पृथ्वी पर सबसे पुराने शहरों में से एक और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थल बौद्ध मठ विक्रमशिला तक के शानदार भारतीय स्थलों का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में उन्हें अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को देखने का मौका मिलेगा, जिनमें सोनार गांव के भूतिया शहर और 60 गुंबद मस्जिद आदि शामिल है। आपको बता दें कि गंगा विलास अपनी यात्रा की शुरुआत से पहले 32 स्विस मेहमानों को लेकर कोलकाता से काशी पहुंचेगा। इसे 22 दिसंबर 2022 को ही रवाना किया जा चुका है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।